हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ये शाका शाका कुकीज़ की रेसिपी को लेकर के आई हूँ। सुनने में यह नाम कुछ डिफरेंट सा लगा ना, फ्रेंड्स यकीन मानिए ये दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे बहुत सिंपल से इन्ग्रीडियंट्स के साथ बना करके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये कुकीज़ बनाएंगे तो आपके बच्चे इन्हें खाने के साथ साथ खेल भी सकते हैं। ये दिखने और खाने दोनों में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, आज इन कुकीज़ को हम बनाएंगे बिना अवन के, यानी कि कढ़ाई में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है फ्रेंड्स। कई बार आपने नॉर्मल कुकीज़ ट्राई की होंगी, इस बार बनाइए ये शाका शाका ग्लास कुकीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, शेकिंग ग्लास कुकीज़ बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप बटर। ये बटर मैंने यूज़ करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से ये जम चुका है। हमें ऐसा ही बटर यूज़ करना है, मेल्टेड बटर या फिर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर हमें नहीं लेना है। और एक विस्कर की मदद से अब मैं इसे अच्छे से विस्क कर देती हूँ। इसे हमें थोड़ा सा फ्लफी बनाना है, तो इस तरीके से देखिएगा आप, जब 1 से 2 मिनट तक इसे विस्क कर लेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लफी अब हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी 1/4 कप पाउडर्ड शुगर। हमें इसे एक बार में नहीं डालना है, 2 बार में हम डालेंगे। पहले एक बैच डाला, उसको अच्छे से विस्क किया और फिर दोबारा पूरी डाल दी। फ्रेंड्स, आप इस कुकीज़ में रेशो का बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आपकी जो ये कुकीज़ है वो खस्ता करारी और क्रिस्पी बनेंगी। तो जितना आपने बटर लिया उसका 1/2 ही पाउडर्ड शुगर लेना है। इसे भी मैं अच्छे से विस्क कर दूंगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे फ्लफी हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कलर भी इसका थोड़ा लाइट हो गया है। अब हम फ्रेंड्स इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चुटकी नमक। नमक डालने से हमारी कुकीज़ में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बढ़ करके आएगा। और इसे भी मैं अच्छे से विस्क कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर जो है बढ़िया से विस्क हो गया है। अब हम इस विस्कर को हटा देंगे और इसमें डालेंगे हम अपना ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। मैंने यहाँ पर 3/4 कप मैदा लिया है, यानी कि जितना बटर लेना है और जितनी चीनी लेनी है उन दोनों को प्लस करेंगे तो 3/4 हमें मैदा लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दिया है। इससे हमारी कुकीज़ बहुत टेस्टी बनेंगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब इस मिक्सचर को हमें हाथों से गूंथना है। देखिए ऐसे ये बंधने लगेगा, आप समझ जाइएगा कि हमारी कुकीज़ बहुत खस्ता बनेंगी। फ्रेंड्स, अब मैंने 2 चम्मच चिल्ड दूध ले लिया है और इस दूध से अब मैं इस कुकीज़ के बैटर को थोड़ा थोड़ा बांधूंगी। फ्रेंड्स, आपको जितना कम हो सके इस दूध को ऐड करना है। अगर आपका काम 1 चम्मच दूध को ऐड करने से हो जाता है तो आप 1 चम्मच ही यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमने लगा लिया है। हमें इसे बहुत देर तक गूंथना नहीं है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हमें रोटी का आटा नहीं बनाना है, बस इसे जोड़ लेना है। और अब हम फ्रेंड्स एक किचन क्लिंग रैप को लेंगे और इस मिक्सचर को उसके अंदर रख करके हम अच्छे से रैप कर देंगे। अभी अगर हम इस कुकीज़ को बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इस मिक्सचर को अब हम फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा फ्रिज में रखा हुआ है, हम इसकी बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक स्टील का प्लेट ले लिया है और ले लिया है एल्यूमिनियम फॉइल, और इस फॉइल को मैं अच्छे से इस प्लेट के ऊपर लगा रही हूँ। और इसी प्लेट में हम बेकिंग करने वाले हैं आज कढ़ाई के अंदर। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कढ़ाई में बेकिंग कर रहे हैं तो फॉइल की क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसका भी एक यूज़ है, मैं इसे आपको बाद में बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ कटर्स ले लिए हैं घर में। ये मेरे पास कुछ कैप्स हैं, कुछ ढक्कन हैं, टॉयज़ हैं और कुछ कटर्स हैं। मैंने कोई भी मार्केट से कुकी कटर नहीं लिया है। इन सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इन्हीं से आज मैं ये कुकीज़ बनाऊंगी। फ्रेंड्स, 1/2 घंटा लगभग हो चुका है हमारे आटे को। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा ठोस हो गया है, टाइट हो गया है, तो हाथों की गर्मी से ही हमें इसे सॉफ्ट करना है। और इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एक वैक्स शीट ले लीजिएगा या बटर पेपर ले लीजिएगा और इसके बीच में रखकर अब हम एक इसकी रोटी सी बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बहुत पतली रोटी नहीं बेलनी है, बहुत मोटी भी नहीं बेलनी है, लगभग 2 सेंटीमीटर जैसी थिक रोटी बनानी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस टेक्निक से ना तो हमारे बेलन में आटा लगा और हमारा काम भी फटाफट से हो गया। अब हम इसे ऊपर से हटा लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो कटर लिया था, इस तरीके से हम इसके राउंड राउंड सर्कल काट लेंगे। तो जितने आप एक बार में निकाल सकें आप निकाल लीजिएगा
और जो बाकी का आटा बचेगा हम उससे भी वापस से इसे बना करके कुकीज काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार में ये बन गई, बीच में थोड़ा स्पेस बच रहा है तो मैं यहाँ पर एक स्टार वाली भी निकाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टार वाली भी बना ली है। अब हम इसमें से जो गोल गोल वाली है इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, और जो हमने प्लेट बेकिंग की तैयार की है उसके ऊपर सेट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं बाकी की कुकीज़ को भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी की कुकीज़ को भी निकाल लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसके मिडिल का पार्ट बनाएंगे। तो जो बड़ा ढक्कन है उससे थोड़ा छोटा वाला ढक्कन लेकर के मैं इस तरीके से इसके राउंड सर्कल अंदर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वाली कुकीज़ बनाने के लिए आपको एक जैसे दो जरूर बनाने हैं। तो सर्कल वाले मैंने दो बना लिए, इसी तरीके से मैं हार्ट शेप के भी बना लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से एक और हार्ट बना लेंगे। हमें ये जो भी कुकी बनानी है वो जोड़े में ही बनानी है। और इसी तरीके से मैंने स्क्वायर की भी बना ली, तो जो नहीं शेप्स की बनी है मैं उसे बाकी के आटे में बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप बिना कटर के ही ये कुकीज़ बना सकते हैं। अंदर की कुकीज़ को आप चाकू से काट लीजिएगा और बाहर की कुकीज़ तो आप किसी भी ढक्कन या बॉटल की कैप से बना सकते हैं। अब हम रख देंगे फ्रेंड्स गैस पर कढ़ाई, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। इसे अच्छे से फैला देंगे और धीमी आंच पर इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इसमें कोई भी एक कटोरी या कोई एक स्टैंड रख देंगे, और अब हम रख देंगे अपनी कुकीज़ को, जिसे हमने प्लेट में पहले से ही फॉइल के साथ सेट करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये काम बहुत सावधानी से कीजिएगा, और लिड लगा करके अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर ऐसे ही बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ इस तरीके के लॉलीपॉप्स। ये कैंडी की फॉर्म में होता है। अगर आपको टॉफ़ी मिलती है तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो बचपन में अगर आपको याद हो तो हम पॉपिंस खाते थे, आप वो वाली टॉफ़ी भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं इन्हें खोल लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कलरफुल भी लगते हैं। फ्रेंड्स, इनका साइज़ कुछ बड़ा है तो मैं इन्हें बीच में से तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, हमें कुछ इतना साइज चाहिए होगा, तो अगर आपको टॉफ़ी मिलती है तो आप वो ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी कुकीज़ भी लगभग रेडी हो गई हैं। 15 मिनट से हो चुका है। अब 5 मिनट हम इसे इस तरीके से नहीं बेक करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी कैंडीज़, ताकि ये हमारी बन जाए ग्लास कुकीज़। इस तरीके से आप एक एक पीस इसे उठा करके इसके मिडिल वाले पार्ट में रख दीजिएगा। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस तरीके से इसे सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, मैंने सारी ये कैंडीज़ रख दी है। इसे लिड लगा करके अब हम मात्र 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी हीट के अंदर ही हमारी ये कुकीज़ रेडी हो गई है। 5 मिनट की इसमें कसर थी, जो कि ये टॉफ़ी के साथ ये पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स, इसे हल्का सा मैं ठंडा होने दे देती हूँ। और ये देखिए, आराम से हमारी प्लेट मैंने बाहर निकाल ली है। और इसी तरीके से मैंने बाकी की कुकीज़ को भी रेडी कर रखा है, और इसे भी मैं वैसे ही कढ़ाई में बेक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये लगभग थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में से उठा लेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से हमारी कुकीज़ हाथों में आ गई बिना कोई चिपके हुए। तो देखा फ्रेंड्स, प्लेट पर फॉइल लगाने का यही फ़ायदा हुआ है कि हमारी कुकीज़ बिल्कुल भी चिपकी नहीं। और कितनी कलरफुल हमारी ये कुकीज़ बन करके तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। हार्ट शेप की, फिश शेप की, और इसी तरीके से सर्कल, स्टार। और इसी तरीके से देखिए, मैंने फ्रेंड्स अपनी सारी कुकीज़ को बेक कर लिया है। ये देखिए, बड़ा सा स्क्वायर काट के मैंने उसमें सर्कल काट लिया। ये देखिए, मैंने स्टार शेप की कुकीज़ को भी तैयार किया है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये सारी कलरफुल कुकीज़ जोड़े में तैयार कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल स्प्रिंकलर्स ले लिए हैं, ऐसे ही कुछ कलरफुल बॉल्स ले लिए हैं, और कुछ मैंने सिल्वर बॉल्स भी ले लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको लेनी है दो सेम साइज़ की कुकी। ये देखिए, मैंने दो सेम साइज़ की कुकी रखी है। एक को मैंने सीधा रखा और एक को मैं उल्टा यानी कि टर्न करके रखूँगी। फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके पाइपिंग बैग में भर लिया है, और पाइपिंग बैग की पतली सी एक टिप काट दी है। और जो हमने सीधी कुकी रखी है उसकी बाउंड्री पर अब हम ये व्हाइट चॉकलेट लगा देंगे। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। और बस फ्रेंड्स, अब इसके मिडल पार्ट में हम ये स्प्रिंकलर्स डाल देंगे थोड़े से, इतने कि आराम से शेक करें, हिलें तो पता लगे। और जो हमने कुकी को उल्टा करके रखा था उसको टर्न करके इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे, और 2 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे। ये आपस में आराम से चिपक जाएगी। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने ये दो और सेम साइज़ की कुकी ले ली है। एक को मैं टर्न करके रख दूंगी, सीधी वाली कुकी पे थोड़ी सी लगा दूंगी व्हाइट चॉकलेट, और मिडिल में डाल देंगे हम सिल्वर बॉल्स। और बस, जो दूसरी कुकी है उसको टर्न करके हमें इसे ऐसे रख देना है, प्लेस कर देना है। 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, ये फटाफट से चिपक जाएगी। ये हमारी स्टार कुकीज़ हैं, और बिल्कुल वैसे ही हम इसे भी चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये व्हाइट चॉकलेट ना हो
तो आपको क्या करना है, आपको डेरी मिल्क वाली चॉकलेट लेनी है और उसको भी मेल्ट करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चीनी को पिघला लीजिएगा बिना कुछ डाले, और उस सिरप से भी आप ये कुकीज़ को स्टिक कर सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सर्कल में स्क्वायर वाली कुकी को भी तैयार कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कुकीज़ बन करके रेडी हो गई हैं। इतनी बढ़िया लग रही है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आ रही है ना इसमें आवाज़, बन गई ना हमारी ये शाका शाका कुकीज़। आप कोई भी कुकी को उठा के देखिए, इसमें से अलग ही साउंड निकल रही है। बच्चे इन्हें खाने के साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सिंपल सी कुकी को हमने जरा सा ट्विस्ट दिया तो ये कितनी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सी हमारी शेकिंग ग्लास कुकीज़ बन गई। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये सभी को पसंद आएंगी और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब उन्हें कुकीज़ के अंदर ही कैंडी का भी टेस्ट आएगा तो ये बहुत टेस्टी लगेंगी। तो फ्रेंड्स, गिव इट अ ट्राई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में दिया गया बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।